कई बार आप लोग चर्चा करते हैं, जब हम दौरा रहता है हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, तो कई बार हमने तुलनात्मक रूप में पिछली सरकार और सरकार की तुलना करते हैं, और उस रूप में हम लोग जब तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रश्न उठाते हैं। मैं बेबाकी से बात करता हूं, लेकिन हमको एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति के नहीं है साथियों, किसी एक जात के नहीं है साथियों, किसी एक परिवारवादी पार्टी के नहीं समर्पित नहीं है साथियों। ये सबका साथ सबका विकास है, सब समाज की पार्टी है, मेरे आप सब लोगों की पार्टी है साथियों। तो उसका चिंतन अलग होगा साथियों। जब एक चिंता की बात हो, एक परिवार की बात हो तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन एक बड़े परिवार की बात में हो जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग हो, विभिन्न समुदाय के लोग हो, विभिन्न अनेक तरीके के लोग हो, उसमें चिंतन की बात अलग हो सकती है साथियों। हम कभी क्या करते, झगड़ा होता है, बड़ा चिंतन की बात हो जाती है साथियों। हम वादे तो लोग बैठे हुए मंच पर बैठे हुए हैं, उसमें विपरीत स्थिति में पड़ जाते हैं कि किसकी कहे किसकी ना कहे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, हमें सबका चिंतन करना है, तो हमको समझौता ही कराना पड़ेगा साथियों। हम बस तुलना करते हैं कि पिछली सरकार में एक टेलीफोन पर उसको उठा के जेल भेजा जाता था, क्या हम कभी अपने परिवार के किसी भाई के साथ ऐसा करना चाहेंगे क्या साथियों? तो समझौता ही एकमात्र हमारा होता है, तो समझौता का रास्ता हम लोग अपनाते हैं। हम कमजोर नहीं है, हमारी सरकार के चिंतन में कहीं सोच में भी खोट नहीं है साथियों, लेकिन हमको अपनी चिंता, अपने भाइयों की चिंता जिम्मेदारी पूर्व हमको करनी पड़ेगी साथियों। एक 14 साल तक जब माहौल बिगड़ रहा है, शासन स्तर की जो सोचना शैली रही है उसका प्रभाव शासन स्तर पर, चाहे वो थाना स्तर हो, चाहे तहसील स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, उन पर प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। लेकिन आप ये मानेंगे कि जो स्थिति सरकार बनने के समय में आपाधापी की उस समय दिखाई दे रही थी, उसमें परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे आप थाना स्तर पर भी। मैं पूछना चाहता हूं, आप सच बताइए कि किस स्तर में परिवर्तन में कुछ अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके हम लोग कर रहे हैं साथियों, आदमी तो बोलिए, प्रशासन तो बोलिए, तो थोड़ा सा परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार करने वाले लोग हैं। हम लोगों पर सिर्फ व्यक्तिवाद की चिंता करने का दायित्व नहीं है, इस वैभवशाली भारत माता का पूरे का इतिहास, इस पर जो हम लोगों ने सोचा है कि भारत माता विश्वगुरु के रूप में हमारा भारत देश पहचाना जाए, तो हमारे कंधे पर बड़ा भार है साथियों। तो हमको छोटी सोच से, व्यक्तिवादी सोच से, जातवादी सोच से ऊपर उठ करके राष्ट्रवादी सोच के प्रति हमको समर्पण करना पड़ेगा साथियों। और जब हम समर्पण करते हैं तो पीड़ा होती है साथियों, हम लोगों को सिद्धि का रूप होने। आज नीलकंठ भगवान शिव जी इसलिए कहलाते थे, उन्होंने विष पान किया था साथियों। आप तो नीलकंठ स्वरूप है मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इसलिए आप लोगों को जिम्मेदारी है। हम भी विधायक के रूप में बहुत कुछ चाहते हैं, स्थिति है, लेकिन इसमें निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है साथियों। आप भी वो कार्यकर्ता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विपरीत स्थिति वाले पर और एटा विधानसभा जैसी विपरीत स्थिति की सीट पर आपने कमल खिलाने का काम किया और निरंतर कमल खिलाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं साथियों कि जो पार्टी की जो सोच है, पार्टी का जो काल है, इसको भार ना समझे हम साथियों, एक जिम्मेदारी समझे कि हमने इतने लाखों लोगों में से हमने इन कार्यकर्ताओं को चुना है साथियों, इतने लाखों कार्यकर्ताओं में से हमने आप लोगों को चुना है, संगठन ने आप लोगों को चुना है, मेरे पे जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं हमको महत्वपूर्ण समझा होगा, महत्वपूर्ण समझा होगा या नहीं समझा होगा साथियों? महत्वपूर्ण समझा हो आप सब लोग? इतनी भीड़ में से चुने हुए लोगों में से क्रीम के रूप में बैठे हुए हैं, तो आपको सोचना होगा क्रीम का दायित्व कुछ ज्यादा होता है साथियों, अन्य लोगों से हटके हमको सोचना होगा, सोचना होगा या नहीं सोचना होगा साथियों? इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। जो कार्य दिया गया है बूथ स्तर पर उसको हमको करना है। एक कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वोट बढ़ाने का काम चल रहा है, ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि वोट बढ़ाने का काम जो है ये पार्टी के लिए हो रहा है, कई बार हम सोचते हैं कि वोट बढ़ाने का काम जो है
सांसद या विधायक बनाने के लिए होगा, नहीं साथी। ये लोकतंत्र जिसकी दुहाई देते हैं हम लोग, इस लोकतंत्र की ताकत है कि आज आपके प्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहते हैं। इस लोकतंत्र की ताकत है कि आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही सर्वोच्च पद बैठता है, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में। यह ताकत आपकी लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र की ताकत का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है वोट। तो हमारा कोई भी साथी वोट से छूटना चाहिए क्या साथियों? बोले बताइए आप, हमारे गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति क्या वोट देने से पंचे रहेगा? ऐसा होना चाहिए क्या? किसी का वोट छूट रहा है तो हम होने देंगे क्या? मुझे आज आश्वासन चाहिए आपसे साथियों। मैं चाहता हूं कि आज की बैठक के बाद 31 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है रन फॉर यूनिटी वाला प्रोग्राम आ चुका है 30 तारीख तक। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी इस बैठक के बाद भैया के निवेदन के बाद हम मंडल वाइज बैठेंगे यहीं पर नीचे। हर मंडल की जिम्मेदारी मैं चाहता हूं हम में से एक एक आदमी व्यक्ति हम लोग लेंगे, यहीं बैठेंगे बोला बना के मंडल वाइज। तो मैं चाहता हूं कि जो दिन रह गए इसमें एक भी गांव का व्यक्ति मेरे बूथ पर, एक भी व्यक्ति बिना वोट पड़ा उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना जाए, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। हम लोग करने को तैयार है, हाथ उठा के बताइए आप सब लोग की तैयार है या नहीं है? मुझे आश्वासन दीजिए हमारे के साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहता हूं सर, क्योंकि अधूरा रह जाएगा तो कल प्रश्न उठेगा हम पे, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जिसका डंका कहते हैं ना, जिसका डंका आज भारत के अंदर ही नहीं साथियों, पूरे विश्व में बज रहा है। पूरे विश्व में बज रहा है या नहीं बज रहा है मुझे बताइए साथियों, ये गर्व की बात है या नहीं है? अरे भारत माता का हमारा सम्मान जब ऊंचा उठता है तो मेरा एक एक किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, उद्योगपति हो, चाहे प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, छात्र हो, चाहे माता बहन हो, सबका माथा गौरव ऊपर उठता है, बड़ा प्रसन्नता की बात होती है साथियों। मैं जानता हूं जब कभी बंदे मातरम बढ़ता है, जब जनगणमन गान गाते हैं साथियों, जब कभी हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर याद करो कुर्बानी सैनिकों के प्रति जब हम गाते हैं तो हम सब लोगों की आंखें नम हो जाती है, नहीं हो जाती है? हम लोग जब शहीदों की चिता को देखते तो हमारी आंखें नम हो जाती है, नहीं हो जाती है साथियों? तो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए साथियों। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ, क्योंकि कामकाजी बैठक है, लेकिन कामकाजी बैठक के अंदर मैं चाहता हूं कि इस रूप में आज से हमारी विधानसभा, मैंने कहा था ये बैठक केवल बैठक नहीं है, इस बैठक के बाद मैंने कुछ योजना बनाई है। मैं माननीय सांसद जी, माननीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में 5 मिनट के अंदर बात खत्म करूंगा, लेकिन कुछ बैठक बात हम सब लोगों के बीच में एक काम करने के हमने, हमारे कितने मंडल है? 4। 4 मंडल में, एक मंडल में हम रहते हैं शहर में भामाशाह जी, एक ऑफिस हमारा है, 3 मंडल है हमारे रिजोर्ट सकीट, रिजोर्ट सकीट और करते, हम 3 जगह अपने ऑफिस और खोल रहे हैं, और उनको हर हफ्ते में एक जगह पहुंचूंगा साथियों, हर हफ्ते उस ऑफिस पर एक बार बैठूंगा। इसके अलावा उस दिन वहां पर एक भी दिन खाली नहीं रहेगा, अपना कार्यकर्ता उन ऑफिसों पर एक ना एक दिन बैठेगा, हमारे जिले से भी लोग पहुंचेंगे साथियों। तो मेरे एक भी मंडल सेवा भाव से पीछे नहीं रहेगा। आपने सेवक को चुना है तो सेवक की वादा कर रहा है आपसे कि कोई भी मंडल अधूरा नहीं रहेगा, आपके समस्या का समाधान मैं अपने घर जाकर के करूंगा साथियों। इसके अलावा महिला में हमने डिसाइड किया है कि हम 2 दिन हम हाइड्रो विद्युत की समस्याओं को लेकर, बड़ी समस्या है साथियों, तो 2 दिन हम विद्युत समस्याओं को लेकर कैंप लगाएंगे, और संपूर्ण समाधान में विधानसभा का मैं वादा कर रहा हूं, मंडल अध्यक्ष नोट कर लें, जितनी भी समस्या हमारी विद्युत विभाग से लेकर के है वो सब चरणबद्ध तरीके से बूथ लेवल से ऊपर तक आ जाए, और 2 दिन या 3 दिन जरूरत पड़ेगी तो हमारा कैंप है हैंडल ऑफिस पर लगेगा, एक एक समाधान हम करेंगे और जिम्मेदारी देंगे कार्यकर्ताओं को, हमारे सब कार्यकर्ता साथी हैं सर, वो जिम्मेदारी लेंगे और इस भाग में इस तरीके से रहूंगा। इसके अलावा हम जो मंडलों में जो थाना है उन थानों पर हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जिससे थाना और हमारा कार्यकर्ता का परिचय पूरा आंखों में आके डाल के हो जाए, जिससे कोई समाधान की कमी ना रह सके। ये भी बात है, मेरा कोई भी कार्यकर्ता विधायक के रूप में वहां पहुंचेगा
उसका काम होगा यह सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है। साथियों आपने सेवक के रूप में चुना है तो मैं आपके उस एक जो मुझ पर विश्वास किया है उसमें कोई कमी नहीं होने दूंगा। साथियों इसके साथ साथ जो अन्य समस्या है जिला स्तरीय तहसील स्तरीय उनको भी हम निपटारा करेंगे। थानों पर जो समाधान दिवस होता है उन पर भी हम एक एक कार्यकर्ता अपना डिप्यूट करने की चिंता कर रहे हैं, जिससे वहां पर थाना दिवस के अंदर लेखपाल साहब भी होते हैं, उस समय थाना अध्यक्ष भी होते हैं, अन्य लोग भी होते हैं, तो एक एक समाधान हो जाए। तो नवंबर का महीना मैंने चुना है, अक्टूबर वोट बढ़ाइए, नवंबर में हर गांव तक पहुंच रहा हूं। पूरे नवंबर त्योहार भी चलेंगे, त्योहार के साथ साथ आपका विभाग भी आपके द्वार द्वार तक पहुंचेगा और संपूर्ण मैं फिर मैं आपकी बात कर रहा हूं, हर गांव की समस्या को चरणबद्ध तरीके से एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे मंडल अध्यक्ष बनाएंगे और मूवमेंट करेंगे और उसके बाद जिम्मेदारी लेने की कार्य होगा और हर गांव को चाहे वो समस्या खेत की मेड़ की हो चाहे बंटवारे की हो चाहे थाने की हो, नवंबर महीना पूरे गांवों को समस्या भी करना है हमको। इस तरह के साथ हम लोग बैठ रहे हैं, उसके बाद जब नई साल शुरू होगी ना तो आपको नए उदय के साथ होगी ये वादा। लेकिन एक वादा आपके साथ चाहता हूं कि जो हमारी कमियां रह गई हैं कार्य में उसको कहीं अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आज पढ़ लेके जाएंगे कि हम कहीं भी किसी रूप में जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने वालों ने काम किया है उसकी चर्चा हम लोग समर्पित रहेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं मुझसे बहुत लोग बोले विधायक, मैंने विधायक तो विधायक थे कार्यकर्ता मैं पहले हूं, जब मैं पड़ेगी तो मैं कुर्सी उठाऊंगा, मैंने आज भी उठाया। भाई हम किसका इंतजार करेंगे, हम विधायक बनने का मतलब मंच में बैठना नहीं है साथी, हमें चिंता करनी है हमने एक एक कार्यकर्ता का। एक एक कार्यकर्ता जब तक बैठने जाएगा तब तक आपका विधायक मंच पर नहीं बैठा, एक एक व्यक्ति की चिंता करना हमारा दायित्व है साथियों। तो इसीलिए कह रही हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है साथियों। मैंने बहुत पहले कहा था और आज भी कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी के बीच में तुलना कर लेना साथियों, हर पार्टी में जा सकते हैं आप, द्वार खुले हैं, लेकिन एक बात याद रखना और पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर है, और पार्टियों के अंदर मुख्यमंत्री की पोस्ट है, प्रदेश अध्यक्षों की पोस्ट है, अन्य चीजें एक परिवार या व्यक्ति विशेष या जात विशेष या एक सोच विशेष के लिए सीमित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का कार्यमंडल अध्यक्ष तक का कार्यकाल हर कार्यकर्ता के लिए है, उसका उदाहरण है जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं जितने हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक एक व्यक्ति बूथ स्तर तक कार्यकर्ता रहा साथियों, बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख रहे और वो पहुंचे हैं ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, आपके द्वारा सींची हुई पार्टी है, आपके द्वारा सींची हुई राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो पार्टी है। इसलिए आज अभी सांसद जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम मंडल वाइज बैठेंगे और मंडल वाइज कुछ बात हम लोग दिशा निर्देश देंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लोग अभी देंगे। इस उम्मीद के साथ कि हमारा दो महीने के लिए हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के समर्पण के लिए रख जाए, इस सोच के साथ है ये मैं अभी आपकी समस्या आई है। हम सब लोग पूरा आश्वस्त हम लोग होकर चलेंगे यहां से, नहीं हमारे वोट बढ़ेंगे तब तक पार्टी का दिया हुआ काम करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपका ये सेवक आपके पूरे बूथ स्तर की एक एक गांव की समस्याओं की जिम्मेदारी आपके सेवक की है, है या नहीं है? भारत माता की। धन्यवाद साथियों।